इस भारतवर्ष के महान किसान वीरों, मातृ शक्ति एवं इस उज्जवल भारतवर्ष के उज्जवल भविष्य के प्रतीक प्यारे होनहार बच्चों, आज 14 अप्रैल 1991 को मुह के अंदर एक झोपड़ी नुमा छप्पर के नीचे एक बच्चे ने जन्म लिया, जो कालांतर में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम से इस संसार में विख्यात हुए। उन्होंने कानून इस देश के अंदर संविधान का निर्माण किया। तुम्हें बता देना चाहता हूँ, संविधान सभा के 389 मेंबर थे। 10 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली मीटिंग हुई थी और उस पहली मीटिंग से लेकर 26 नवंबर सन 1949 तक 3, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन बनते हैं। भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान सभा के अध्यक्ष तो होते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन उन्हीं में से एक प्रारूप समिति बनाई गई थी और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जिन्होंने 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में ये संविधान बनाकर ठीक 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को यह संविधान इस देश पर लागू किया गया। भारत एक पूर्ण गणतंत्रात्मक राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। ऐसे भारत वर्ष को बनाने में अपना योगदान देने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को आज हम भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनको सच्ची श्रद्धांजलि जभी होगी किसान और मजदूर कमेरा वर्ग जो इस देश में बिल्कुल दबा कुचला है, इनको कोई पूछने वाला नहीं, ऐसे कमेरा वर्ग को इकट्ठा होकर भीमराव अम्बेडकर को सभी सच्ची श्रद्धांजलि दी जाएगी। जब हम इकट्ठे होकर इस दुराचारी सरकार का मुकाबला करेंगे जो किसानों को मजदूरों को काले कानूनों के तहत इस देश से बिल्कुल बर्बाद करने पर उतरी हुई है, उस सरकार का मुकाबला तभी होगा जब हम किसान और मजदूर कंधे से कंधा मिलाकर इस देश के उत्थान करने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के दिए हुए संविधान की रक्षा करते हुए इस देश के उत्थान के लिए आगे बढ़ेंगे। जय जवान, जय किसान, जय मजदूर, जय भारत वर्ष की। वाहे गुरु जी खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।